ओ भैया, चाटिए प्लेट पनीर पकौड़ा की बांधी फटाफट। कहा साहब, पकौड़े खाने की इतनी जल्दी कि अंग प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक पहुँच गए? भाई थोड़ा आराम से आना चाहिए, रास्ते में तेज हवा चलती ना तो वहीं आपकी इज्जत उड़ जाती। ऐसे ज्यादा ज्ञान ना फेल, नहीं तो सारे यही कड़ैया में तो को तल देंगे। टाइम नहीं है तो देख रहा हूँ ना, अर्जेंट में आए हैं, फटाफट बांध। अब देखो साहब, मैं तो ऐसे बैठ ना जाऊंगा ना कढ़ाई पे, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। ए गन्नू, चार प्लेट पनीर पकौड़ो जल्दी से तल दो। जी भाई। अभी साड़ू भाई, तुम कहाँ, मतलब ऐसी हालत में और तू कैसी हालत में? अभी ये सब छोड़ो, तुम कहाँ, मतलब अपने कपड़े जो है कमलेश के बाप को दान कराए हो क्या? ऐसे कैसे चले यार, नहा रही थी अच्छी खासी, बट रज्जू ने खोपड़ गया, खा लीजिए पनीर पकौड़ा, ले पनीर पकौड़ा ले, अब ही ले आओ भगिया ससुरानन फानन में। अरे यार सुनना, हम भी जो है ना बहुत मेहनत से पनीर के पकौड़े बनाए थे, वही चक्कर में देखो हाथ में लग गया है। हमारी बीवी को मतलब पसंद नहीं है हमारे बनाए हुए पनीर के पकौड़े। बताओ मतलब जिस औरत को जो है बेसन और आटे में फर्क नहीं आता कद्दू है, वो कही कि घन्नू के यहाँ से पकौड़े लेके आओ। एक बात बताओ, पकौड़ा तो ससुर अम्मा को खाने, ये दो बहुएं काहे मरी जा रही हैं एकदम। अरे हम सब समझ रहे हैं, दुइनों जो है ना सींग निकाल के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं कि कौन जीतेगा। चुनाव? कौन से चुनाव? अरे यार तुम्हारे मतलब हम दोनों के ससुर जी जो तिल्ली लगा के गए ना, आग हम दोनों के घर में लगी हुई है। अब दोनों बहुएं जो है ना बेस्ट बहू बनने के चक्कर में एक दूसरे से एकदम भागम भाग लगी हुई है, दौड़ा भागी चल रही उन लोगों में। अच्छा, तब ही हम सोचे हैं कि जरा जो इतनी काय मरी जा रही, मतलब बाथरूम तक घुस आई अंदर। आप समझ में आ रहा होगा कि जो सारी जुगाड़े लग रही हैं जोन अम्मा को खुश करने के लाने हैं। वो ऐसा है, जो भी हो रहा है ना सही नहीं हो रहा है, काहे कि गेहूं के साथ जो है ना घुन भी पिसेगा और हम लोग घुन आए, वी आर मिस्टर घुन। सही कह रहे दोस्त, तब ही हमारी बीबी ने हमें सारू देख रहो। हाँ तो लिए लपेट के यहाँ भेज दो। अच्छा एक बात है, सुनो चुंगला, हम ये कह रहे हैं कि दोनों अगर एक ही ये घनुआ के यहाँ के प्याज मतलब प्याज कह रहे पनीर के पकौड़े ले जाएंगे ना, और लोग ना स्वाद कर लिए तो पकड़े जाएंगे, समझ में आ जाएगा। का समझे? जब आदमी सही गई, एक काम कर, अब यहाँ आइडिया हो ताजू ताजू, बताओ तू एक काम कर, जा दुकान छोड़, चार दुकान आ गई गुप्ता के यहाँ से ले ली, हमें तैसे ले ले रहे बढ़िया रहेगा। अरे वाह चुमूलाल, मतलब हमारे साथ रह रहे के तुम जो है चालाक हो गए बेटा, हमारी गोली हम ही को दे रहे हो, हम कह ले जाए, तुम ले जाओ ना, तुम गुप्ता क्या सर, हम तो गन्नू है क्या, गन्नू तुम हमारे लिए पैक करो। तुमको पता है फिर ऐसा गड़बड़ करेगा तो बेवकूफ समझो क्या, रज्जो में घर से बाहर निकाल देगी। अच्छा बेटा है, मतलब तुम्हारी औरत औरत और हमारी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारी औरत तो घर से क्या, मतलब मोहल्ले से बाहर निकाल देगी। एक इतना काय गरम हो रहा, एक काम कर रही ना, मरो ससुर, दो जने तहीं से पकौड़ा ले जा रहे, बताने की जरूरत नहीं होगा, ये डारो मुंह में, बाकी पता चल गो तब देखी जाएगी। अरे यार पर ये मामला जो है ना बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा, सोचो हमको कैसे हम लोग बचेंगे इससे। अरे दरोगा जी एक फोटो हो जाए, फोटो है हम भी जल गया आटा। कितनी बढ़िया रही। गरम पकोड़े जी तो पैसे हमारे दवाई के संगे एकदम जमेंगे। हाँ, हम टिराए करते हैं। देखा समधन जी, मेरी दोनों बेटियां कमेरी है, मतलब सास के छींकने से पहले रुमाल लेके तैयार खड़ी है। वेरी गुड, गिव इट अप। हाउ हाउ जी तो देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खिला हुआ है कि देखो कैसे फुर्तीले हो गई दोनों। अरे अम्मा तुम खाओ तो सही, ये सभा यही खिलाने यहाँ बुलाई गई है। छे तुझे ज्यादा जल्दी है रही है, खाते हैं अभी खाते हैं। हाँ घनश्याम के पकोड़े की याद आ गई, वाह। जैसे ना अम्मा जी, हमने खुद बना हुआ है। हाँ। बहुत मेहनत लगी अम्मा, सही बता रहे, हाथ एकदम से कल लाए गए मिर्चा से। ना ना घनश्याम जैसी है,
बनाए तो मैंने हैं। हाँ, 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 जैसे हुई है, सेम टू सेम लग रहे हुई है, लेकिन बनाए हमने। बढ़िया। अरे बापू, जे हुनर कितने छिपा रखा हो तो? इतना ही तो है तो, अम्मा तुम काहे मजाक कर रही हैं? अरे तुम सब ऐसे काहे खड़े हो? हाँ? तुम भी चखो भाई। अरे हो। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं? चलो बच्चों लो। ले बेटा इधर भी दे दो। ये लो, ये लो। वाह। आ, क्या क्या पकोड़े बने मम्मी, वाह यम्मी, बहुत मस्त बने, अच्छे बने। पापा खाओ ना, कैसे बने बताओ तो। देखा पता है उनकी शक्ल देख के लग रहा हुआ कि इतना अच्छो लगो ना, इतना अच्छो लगो कि खुशी के मारे बोल ना पा रही है ना गब्बर से, है ना ससुर जी। बहुत मस्त लगे उनको। अम्मा ये खा के देखो ना, असली स्वाद तो इसमें है। चख लो ना, उनको चख लियो। हाउ हाउ, चख रहे हैं, चख रहे हैं पिंबलेसिया। हाय पिंबलेसिया, अब मैं तो यकीन ही ना हो रहा हुआ कि जी तूने बनाए हैं। हैं? बाप, अम्मा इसमें क्या है? वो बेसन में मसाले डाले और पनीर के छोटे 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 टुकड़े डाल दिए और तेल में फ्राई कर दिए, ये बन गए। वाह वाह, खाओ ना तुम लोग भी। हाँ हाँ हाँ, लियो लियो सब लो। बेटा लियो। बहुत बढ़िया, तो दो पकोड़े एक साथ। पिमलेश मौसी, तो कितने टेस्टी बनाए आपने, ऐसा लग रहा है जैसे घनश्याम अंकल के यहाँ से आए हो। हाँ वो मेरे तरीके से ही बनाता होगा, इसलिए अच्छे बने। पापा कैसे लगे? बेटा क्या बताऊँ, मतलब शब्द नहीं है। अरे बेनिया अपुआ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, का फैसला दे, हमारी मदद करो भाई, बताओ। अरे अम्मा कैसी बात है, अगर तुम आए होते हुए हम कब बोले, हमारी तो सारी जबान तालू में चिपक गई, तुम बताओ। हाँ मतलब हमारी परिस्थिति भी ऐसी कि हम जो है असमंजस्य की परिस्थिति में पहुंच गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले, मतलब दिमाग एकदम काम ही नहीं कर रहा है, कहाँ है अपू। मैं कुछ बताना चाहूंगा दादी को। मम्मी ये बहुत मस्त बने, पनीर वनीर का टेस्ट एकदम मस्त है, मसाला भी अच्छी तरीके से हुआ है और जो क्रंचीनेस, जो कुरकुरा, जो स्वाद आता है ना, बहुत मस्त, बहुत यमी। और ये बिमलेश मौसी के थोड़े से टिकटे क्या है, मतलब ज्यादा अच्छे नहीं, ये ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा टेस्टी और सबसे ज्यादा क्रंची बिमलेश मौसी के पकौड़े हैं। भैया जाने मन। हाँ क्या? मैंने कहा समधन जी जल्दी फैसला कीजिए, हैं भाई, इंसान का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कल हो ना हो। समधन जी तुम्हें बड़ी जल्दी आएगी, हैं आराम से फैसला करेंगे हम। हाँ आराम से करेंगे, आराम से बताओ कौन की लंज पुंज है, कौन की कुरकुरे। अम्मा इतना में तो क्या सोचना, तुम वोटिंग करा लो ना, जॉन जॉन को हाथ हमारे पक्ष में उठे, बाको काउंट कर लो, हो जाए फैसला, बहुत इजी है कहीं। हाँ माँ, फैसले में सिर्फ 2 मिनट तो लगेगा, कौन कितने पानी में पता चल जाएगा। हाँ हमें तैरना बहुत अच्छे से आता है, हम नहीं डूब सकते। हमने कौन सा अपने कंधे पे बोरे लाद रखे जो डूब जाएंगे, बड़ी मेहनत लगी है सब बनाने में। एक मिनट, तुम दोनों बहने फिर बहस करने लगी, हमारी बात सुनो। ऐसा करते हैं भाई, जे बताओ कि कौन कौन राजेश के पक्ष में है, गो हाथ खड़ा कर दो। मैं मम्मी के साइड से मैं। अच्छा अब बिमलेश के पक्ष में कौन कौन है, गो मैं। देखो भाई राजेश के पक्ष में भी एक वोट आओ है, बिमलेश के पक्ष में भी एक वोट आओ है। खैर हमारा फैसला भी ऐसे ही है कि दोनों एक बराबर बने हैं, इसीलिए हम दोनों को
दस दस पॉइंट दे रहे हैं। खुश? नहीं, ठीक, अच्छा। लंजो पंजो कुरकुरू बराबर हो गो। अम्मा ने ना बिमलेश को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाए रखो है। बताओ कह दे दो बराबर को नंबर। अरे यार तुम छोड़ो ना, इतनों का मूड खराब करने। बल्कि अच्छा ही है, हमें तो बड़ी खुशी है कि अम्मा ने मतलब दोंगन को पक्ष बराबर समझो, बराबर अंक दे, बहुत बढ़िया। ऐसो कछु ना है, अम्मा ना दोनों बहुवन के बीच बुरा ना बनना चाहती है। कैसे फिर काम कौन से करवाई है वे? तो जा तो फिर समझदारी भाई ना जी, तुम जो बताओ तुम्हें दिक्कत कौन सी चीज से है, का है मतलब प्रॉब्लम का है? बिमलेश को ज्यादा अंक मिल गए जैसे? हाओ जैसे कैसे, हमाओ अनुभव बिन्नो से बहुत ज्यादा है। हमारी शादी को गए हैं 20 साल, तो लाजमी है ना हमने गृहस्थी ज्यादा चलाई है बासे। तुम जे बताओ वो कल की ब्याह के आई है, और बस अगर हम बासे हार गए तो फिर हम कहां से अपना मुंह देखे हैं? मुझे पता था मेरे पकोड़े ही बेस्ट होंगे। तुम्हारे मतलब क्या गन्नू के पकोड़े? सामने आओ जरा। हाँ एक मिनट। क्यों, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था 1648 में। ओ, यहाँ जीके के क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहे। तो क्या वो खुद अपने कंधे पे पत्थर वत्थर लाद के आगरा गए थे बनाने? नहीं। और पुताई भी शाहजहां ने की थी? ताजमहल में मार्बल लगा है, पुताई की जरूरत नहीं। जीके के क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। किसने बनाया था? मजदूर अन्ना। पैसे किसके लगे थे? शाहजहां के। तो ताजमहल किसका हुआ? शाहजहां का। तो वैसे ही पकौड़े किसी ने भी तले हो, पैसे तो मेरे लगे ना। पैसे तुम्हारे थे। क्यों, तुम्हारे थे? नहीं नहीं, मतलब हम लोग के मतलब तुम्हारे थे, एक ही बात। हाँ तो जब पैसे मेरे थे तो पकौड़े भी मेरे हुए ना। अच्छा तुम उधर से घूम के आ रही हो। हाँ नहीं नहीं, वो तो ठीक है। अरे यार रज्जू सुनो, तुम कजु ज्यादा ही सोच रही। तुम्हें यार सोचो कि तुम्हारी छोटी बहन जो कल शादी करके तुम्हारे पास आई है, और अगर बकचू चीज में चीत रही है, अंक ज्यादा ले रही है, तुम्हारे काम आए तो बस है। तुम्हें तो ये हमें खुश बहु चाहिए। जब आज से खुश ना हो बल्कि जारो हार मारा लेकर पहुंच जाओ, बड़े बनो। अच्छा मतलब बेबजा बाको जीतन दे, यही तुम कहना चाह रही हो ना? तुम एक बात बताओ, इतने देखो का है? तुम बिमलेश से जलती हो का? जले हमारी जूती। हम कहे चले, हम तो हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं। अरे तो जब हेल्दी कंपटीशन जो हो तो है कि अगर छोटी बहन जीत रही तो खुश हो, बाकी नंबर ज्यादा आ रहे तो खुश हो। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम बासे हर चीज में आगे हो, गृह कार्य में दक्ष हो, हर चीज में जो आदमी आगे पाको, सर्टिफिकेट की क्या जरूरत? आगे आओ, बहुत टिक्के ना बैठो। तुम जे बताओ कि तुम बिमलेश को इतो पक्ष कह ले रही हो? हाँ चुप कर लो और ज्यादा ज्ञान ना पे लो। वैसे भी ये कंपटीशन दो बहनों के बीच नहीं, दो बहुओं के बीच हो रहा है, और मैं अपने आत्मसम्मान के लिए है ना, अगर मुझे समुंदर पार भी करके जाना पड़े ना तो मैं चली जाऊंगी। हनी तुम एक हिसाब से ठीक कर रही हो, लेकिन एक चीज बताओ कि मुकाबला अपनी सगी बहन से, सगी बहन से, सोचो जरा बिमलेश, ये सही नहीं है ना? सही क्या है पता है तुम्हें? अभी मुंह मत खोलो तुम, क्योंकि जब तुम मुंह खोल रहे हो ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है ना जो एकदम ऊपर नीचे हो रहा है। बहुत कंफ्यूज कर रहे हो तुम मुझे अभी इस वक्त, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे भयंकर चिड़चिड़ हो रही है, तुम निकल लो अभी। सारे और तुम दोंगन के चक्कर में, हम दोंगन की चटनी पिस रही है। एक बार तुम कान खोल के सुन लो। बोलो। जब तक जो कॉम्पिटिशन हम जीत नहीं रहे तब तक हम चैन से नहीं बैठे हैं। चाहे अपनी बहन से टकराने पड़े। हाँ नहीं, कहाँ लिखो है कि बेस्ट बहू बनने के लाने बेस्ट बहन बनना बहुत जरूरी है? तुम्हारी हो गई है बुद्धि खराब, और खोपड़िया हमारी ना खाओ तुम यार।
नहीं तो फिर कहीं इतने बैठे हो तुम, जाओ ना जॉन, बहुत अच्छी सती सावित्री बा के पास बैठो, जाओ हटो इतने से, तुम जाओ। अरे कहाँ जाओ, ना निकलो बाहर। अरे हम कह, ना ना हम जो कह रहे तुम निकलो बाहर, कहीं इतने बैठे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तुम भ्रष्ट हो जाए, जाओ। तुम यार विमलेश को गुस्सा हम पे काहे उतार रही, हम कुछ नहीं कह रहे, तुम जाओ, हम कह रहे हैं जाओ तुम। अरे कह रहे हैं जाओ इतने, ये दादा नहीं तुम जाए रहे, क्या जाए रहे हो यार, तुम कैसी औरत हो यार, जाओ जरा सी बात पे। अरे धोखे में लल्ला ना फेंक दे, जो गिर जाएगा वो। माँ है, हमें पता है कैसे रखो जाते हैं, नौठैयन को पालो है हमने, ज्ञान दे रही हैं हमें, तो गुस्सा पापा पे आ रही है। बेस्ट बहू कौन है, और दल्ले हो बेस्ट बहू, और तुम्हें चिरौंजी खवा दे हम बेस्ट बहू। बेटा ऋतिक, हम का सोच रहे हैं कि आज खाने में ना तुम लोगन के लाए बिरयानी बनाए, कहे? बिरयानी? वाह! वो कहा ना कि बेटा ऐसी कोई चीज ना है जो हम बनाए ना सकते हैं, कहे? हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आती, और आप जो भी चीज बनाते हो ना वो 5-star होटल से कम नहीं होती, मस्त होती है, बढ़िया। अब बेटा कहे ना होए, हमें 20 साल का तजुर्बा है ना, और अभी अभी शादी करके थोड़ी आए हैं हम तो सोच रहे हैं कि इतनी मस्त बिरयानी बनाए कि तुम लोग खाए कैसे, उंगलियां चाटो। बेटा चमची, तुम्हारे बाल तो बड़े लंबे, थोड़े टेढ़े मेढ़े भी लग रहे, कौन से नौ सिखिए ने काटे? मम्मी ने। तभी तो इतने भद्दे लग रहे हैं। स्कूल में कोई मजाक वजाक तो नहीं उड़ाता तेरा? एक काम करना, दोपहर में जब तू आएगी ना तो मैं तेरे बाल अच्छे से काट दूंगी, वो क्या है ना मैं हेयर कटिंग बहुत अच्छा करती हूँ। ओके मौसी। वाह वाह, दोनों बहनें अकेले अकेले चाय पी रही है, हमें पूछो ही ना, चाय पे का चर्चा चल रही है भाई। अम्मा मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, क्या बनाऊं नाश्ते में? कचौड़ा बनाऊं। अम्मा हमने तुम्हारे मनपसंद आलू की सब्जी और पूरी बनाई दी है। एक महीने पहले हमने पूरी और आलू की सब्जी खाने की इच्छा जाहिर की, एक महीने बाद मिल रही है, वाह। अम्मा बुआ, हमें तुम्हारे मन की बात पता चल गई है थी। हाँ, हाँ। लेकिन अम्मा क्या करे, बच्चन के काम में उलझ गए थे हम। हाँ, बहुत। हाँ, हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, खैर वो छोड़ो, हम तुम दोनों के लाने जे काम लाए, जे तुम पकड़ो, अब विमलेशिया जे तुम्हारे लाने। अरे बामा सारी पहनी हुई, कोई बात नहीं अम्मा, आपका आशीर्वाद समझ के रख लूंगी, वैसे कलर मुझ पे सूट नहीं करता है। ना ना तू चिंता ना कर, तेरे लाने ना लाए हैं हम, जे हमारी पहनी भाई साड़ी है, लेकिन तुम दोनों को काम के वास्ते जे साड़ी लाए हैं हम। दोनों बहनें जामे गोटा लगाओ है, और जो भी
बढ़िया और जल्दी फटाफट गोटा लगाएगा बाको, हम पॉइंट देंगे। अम्मा तुम्हें तो पता है कि हम नींद में भी सिलाई कढ़ाई कर देते हैं। हाँ, अरे हाँ। बिन्नो की कमीज पे हम ही बटन ताकते हैं। काय बिन्नो? ए, वो बात पुरानी हो गई है। जब से मेरी शादी हुई है ना अम्मा, मैं कढ़ाई बुनाई सिलाई में एकदम परफेक्ट हूँ। बाएं हाथ का खेल है मेरे। वाह वाह वाह, चलो चलो फिर चाय छोड़ो और लग जाओ बहनों काम पे, लग जाओ। दादी मैं क्या कह रहा था, आप मम्मी को ना 10 पॉइंट दे ही दो, क्योंकि इन सब चीजों में ना मम्मी माहिर है। आपको पता है ना वो बटन बटन कितनी फास्ट लगा लेती है, तो ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है। ओ हेलो, तू ना बिमलेश मुझे वो कम मत समझ, क्योंकि क्या पता तुझे आगे जाके सरप्राइज मिल जाए। खैर कोई बात ना, कोई भी बहन जीते हमें तो अपने साड़ी से मतलब है, हमारी साड़ी में गोटा लग जाएगा। ठीक है बताओ, चाय की प्याली भी इतनी छोड़ गई, बड़ी काम चोर है। क्या कहते दिमाग? तैयार है जाओ। किसकी किसके लिए? अरे फिर से 10-10 लॉलीपॉप की शर्त लगाएंगे, देखते हैं जाबार कौन जीतेगा, हमारी मम्मी या बिमलेश मौसी।